देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं दुबे और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर बहेड़ी से है। एडीएम और एसडीएम ने तहसील समाधान दिवस में सुनी शिकायतें, 29 में से 4 का मौके पर किया गया निस्तारण। तहसील समाधान दिवस में शिकायत सुनते एडीएम मदन सिंह और एसडीएम राजेंद्र चंद्र। आपको बताते चलें, तहसील समाधान दिवस में एडीएम मदन सिंह और एसडीएम राजेश चंद्र ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। कुल 29 शिकायतों में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अफसरों को सौंपा है। यहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील समाधान दिवस में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सलीम चंदा, समीम अख्तर, अशफाक राजेंद्र रस्तोगी, हनी सलूजा आदि ने एडीएम से शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में काफी समय से चिकित्सकों की कमी है और मात्र 2-3 डॉक्टरों के सहारे ही पूरा अस्पताल चल रहा है। आयुष्मान कार्डों का जो सर्वे हुआ है उसके फॉर्म अभी तक नहीं दिए हैं और जो फॉर्म आए भी हैं वह आशाओं ने गलत बांट दिए। उन्होंने कहा कि नगर में आश्रय योजना के तहत जो मकान गरीबों को दिए जाने हैं उनके सर्वे हो चुके हैं। 2 बार आवंटन की तारीख तहसील सभागार में लग चुकी है लेकिन मकानों का आवंटन अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर में मात्र एक आधार सेंटर होने से लोगों की काफी परेशानी हो रही है और यहाँ पर कम से कम आधा दर्जन आधार सेंटर खोले जाएं। शिकायतें सुनने के बाद एडीएम ने शिकायतों का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सीओ यतेंद्र सिंह नागर समेत संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं बरेली से साहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। कब आए हुए थे तहसील दिवस में? तो हमने दिया, एक तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से जो है लोग परेशान हैं, यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं होते हैं। 2-3 डॉक्टरों के हवाले पूरा अस्पताल है, तो हमने उनसे कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाए और जो आयुष्मान कार्ड जो फॉर्म भरे गए थे वो अभी तक उनके कार्ड नहीं बने हैं। मैंने कहा उनके जो है कार्ड बनवा दिए जाना चाहिए, गरीब लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। दूसरी समस्या हमने रखी है, नगर पालिका ने जो आवास बनाए हैं धोबी तालाब पे आश्रय योजना से, वो गरीबों को अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। उसका जो है चयन भी हो गया है, उसका आवंटन कर दिया जाए, गरीब लोग परेशान हैं। तीसरी समस्या है बहेड़ी में ई रिक्शा की, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ई रिक्शे को एक साइड चलाया जाए, दूसरी साइड नारायण नगला रोड से होते हुए ट्रक यूनियन वाले रोड से निकाला जाना चाहिए। एक समस्या बहेड़ी में सबसे बड़ी है जो आधार कार्ड की है। आधार कार्ड ना बनने से बहेड़ी में हाहाकार मची हुई है। स्टेट बैंक में आधार कार्ड बनते हैं, वो भी कभी कभी बनाते हैं और 20 लोगों के बनाते हैं, जिसकी वजह से जनता में बहुत बड़ी परेशानी है। हमने कम से कम 6 सेंटर खोलने की मांग करी है। एडीएम साहब ने भरोसा दिया है कि हम फिर भी इन सब पे कार्रवाई कराएंगे।